बीजापुर जिले के गलगम में चुनाव ड्यूटी के दौरान यूबीजीएल सेल ब्लास्ट होने से शहीद जवान देवेंद्र कुमार सेठिया को आज जगदलपुर में मौजूद सीआरपीएफ 80वीं बटालियन के हेड क्वार्टर में दी गई अंतिम सलामी। पुलिस के आला अधिकारियों समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि। बस्तर जिले के धोबीगुड़ा में रहने वाले शहीद जवान के पार्थिव शरीर का आज दोपहर में किया जाएगा अंतिम संस्कार। कल दिनांक 19 अप्रैल को जिला बीजापुर के मुसूर थाना अंतर्गत गलगम कैंप क्षेत्र में मतदान संबंधित आउटर पेट्रोलिंग कॉर्डन ड्यूटी में सीआरपीएफ 196 बटालियन के ड्यूटी थे। उस ड्यूटी के दौरान 196 बटालियन का हमारा आरक्षक देवेंद्र कुमार, उन्हें भी पेट्रोलिंग ड्यूटी थे। उस दौरान एक विस्फोट की घटना हुआ है। घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जबलपुर लेकर आए थे। जबलपुर में उन्हें प्राथमिक उपचार के पश्चात उन्हें दिल्ली भी रेफर करने के भी जो फ्लाइट का एयर एम्बुलेंस भी रेडी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान उनका डेथ हो गई थी। आज शहीद देवेंद्र कुमार का अंतिम सलामी के कार्यक्रम 80वीं जबलपुर में किए गए थे। उसमें सम्मान्य सभी जनप्रतिनिधिगण और पुलिस एवं प्रशासन के सभी अधिकारी और क्षेत्र के नागरिक उपस्थित रहे और हम शहीद देवेंद्र कुमार का इस बलिदान की याद करते हैं। और कल खासतौर पर जो चुनाव के दौरान लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने सर्वोच्चतम बलिदान दिया, आज सभी प्रदेशवासी की ओर से, बस्तरवासी की ओर से हम शहीद देवेंद्र कुमार की याद करते हैं और उनकी बलिदान को सम्मान करते हैं।